इमली, इमली कुछ ऐसी है ना, सच में खट्टी और मीठी है। कभी कभी तो वो रुला देती है और कभी ऐसी हरकतें करती हैं कि हंसते हंसते पेट दर्द करने लगता है। आज वो बन गई है भालू और पहुंच गई है जंगल। अब क्यों भालू बनी है, जंगल में क्यों गई है, ये सब कुछ आपको पता चलेगा जब आप देखेंगे इमली की ये कहानी। नहीं नहीं, इमली ना तो कोविड-19 का शिकार हुई है और ना ही कोरोना भगाओ की ब्रांड एम्बेसडर बनी है, बल्कि इमली को तो आज टास्क मिला है मधुमक्खी का छत्ता तोड़कर उसमें से शहद लाने का। और हमारी दमदार इमली ने इस चुनौती को अपने दिल से अपनाया, आंखों पर और मुंह पर चुनरी को लपेटकर, हाथों को किसी फाइटर की तरह पूरी तरह से प्रोटेक्ट करके रस्सी और बाल्टी लेकर इमली चढ़ गई मीठी चीज इकट्ठा करने के लिए। मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकालने के लिए पेड़ पर इमली खुद चढ़ी और किसी भी स्टंट डबल का इस्तेमाल नहीं हुआ, और इसी बात के लिए संबुल को शाबाशी देनी तो बनती है। पेड़ पर मधुमक्खियों से बचते बचाते इमली जैसे ही छत्ते के पास पहुंची तो मिस बैलेंस हो गई और धड़ाम से नीचे आ गिरी। लेकिन इमली ने बार बार कोशिश की और आखिरकार वो छत्ते के पास पहुंच गई। लेकिन जब छत्ते के पास पहुंची तो देखा कि छत्ता तो फिल्म के थिएटर्स की तरह पूरा खाली पड़ा है। ओ सॉरी, ये नकली वाला था शूटिंग के लिए। नकली वाला ही सही, लेकिन इमली ने बिल्कुल अच्छे तरीके से असली वाली धूप जलाई ताकि मधुमक्खियां वहां से भाग जाए। उसके बाद छत्ते में नकली शहद भरकर उसे असली में निचोड़ा भी गया। वाह इमली वाह, आज ग्रूट होता तो कितना खुश होता। वैसे संबुल, आपने इतनी मेहनत से इस पेड़ पर चढ़ाई की इसलिए आपको थम्स अप, लेकिन ये नकली शहद किसी को असली में मत पिला देना, वरना कहीं असली वाला गंगा जल इस्तेमाल ना करना पड़ जाए। ABP News Report। ये है ABP News।